या गरीब एरिया है और दूर दराज है जहाँ पे नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है और आने जाने के कोई साधन नहीं है। ऐसी जगह में हम जाके पब्लिक को ये मेडिकल कैंप लगाते हैं और उनको ये सुविधाएं देते हैं। इससे गरीब लोगों को फायदा होता है। घर से दूर है। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारी पंचायत मांड ईस्ट में जो जहां गरीब लोग रहते हैं, गुजर बकरवालों की स्ट्रेंथ जहां ज़्यादा है, जो पहाड़ी एरिया से आते हैं जहां, और इस मांड में हमारी मांड दो पार्ट में है, एक आगे है वहां, तो मेडिकल की सुविधा है। इस एरिया में मेडिकल की सुविधा थोड़ी कम है, दूर है, तो मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ CRPF का कि जिन्होंने जहाँ कैंप लगाया और हमारे गरीब गुरबे लोगों को जो मुफ्त में दवाई या मुफ्त में चेकअप कर रहे हैं, तो मैं इनका दिल से तहे शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जे हमारी पंचायत में जो भी कोई सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई ग्रांट आएगी वो, जहाँ कोई ऐसे मेडिकल कैंप वगैरह जो ऑर्गेनाइज होंगे तो हमारी पंचायत में जे ज़रूर करें, क्योंकि जे हमारी पंचायत जो है थोड़ी एक तो लेंथ में भी काफ़ी लंबी है जहाँ हर सुविधा तो मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इनका दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं श्री करतार सिंह 2YC 137 बटालियन उधमपुर, हमारा जो कैंप है CRP का उधमपुर में है। हम समय समय पर हर साल ये स्वीक एक्शन प्रोग्राम करते हैं, जस्ट अभी राउंड विलेज में किया था और अभी आज यहाँ पे मांड में, जो जो एरिया गरीब एरिया है और दूर दराज है जहाँ पे नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है और आने जाने के कोई साधन नहीं है, ऐसी जगह में हम जाके पब्लिक को ये मेडिकल कैंप लगाते हैं और उनको ये सुविधाएँ देते हैं। इससे गरीब लोगों को फ़ायदा होता है और हमारा भी ये ध्येय होता है कि कम से अधिक गरीब लोगों को ही ये चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जो शहरी लोग हैं उनको तो समय समय पर और अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए हम इंटीरियर में ये कैंप लगाते हैं। ये आज गवर्नमेंट हाई स्कूल मांड है, इसमें हमने लगाया है और इसके जो ऊपर पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, दूर दूर दराज तक इसमें से लोग आ रहे हैं और काफ़ी गरीब एरिया है, तो इसलिए हमने ये कैंप लगाया है। देख ही रहे हो जितने भी आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल गुज्जर लोग आ रहे हैं जो कि वो शहर में नहीं पहुंच पाते हैं और पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे और हमें भी खुशी होगी।